नाबालिग से रेप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने क्यों कहा? क्या सेक्स करने के लिए आधार कार्ड देखना होगा? जानिए हाई कोर्ट ने क्यों की ऐसी टिप्पणी। सहमति से शारीरिक संबंधों के मामले में किसी को अपनी साथी की जन्मतिथि के न्यायिक सत्यापन की जरूरत नहीं होती है। ये टिप्पणी दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक केस की सुनवाई करते हुए की है। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जसमीत सिंह ने रेप के एक मामले में जमानत देते हुए कहा, वो व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति से सहमति से शारीरिक संबंध रखता है, उसे दूसरे व्यक्ति की जन्मतिथि की जांच करने की जरूरत नहीं है। उसे शारीरिक संबंध में प्रवेश करने से पहले अपने साथी का आधार कार्ड, पैन कार्ड देखने और उसके स्कूल रिकॉर्ड से जन्मतिथि सत्यापन करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने दिल्ली पुलिस के प्रमुख को इस बात की जांच करने को कहा है कि कहीं पीड़ित महिला आदतन अपराधी तो नहीं है जो मर्दों के खिलाफ रेप का FIR दर्ज कराकर पैसे वसूलती है। दरअसल आरोपी ने दावा किया था कि उसके खिलाफ बाल शोषण संबंधी कानून के प्रावधानों का इस्तेमाल करने के लिए लड़की अपनी सुविधा से जन्म की तारीख बता रही है। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने 24 अगस्त के आदेश में कहा, सच बात यह है कि एक आधार कार्ड है जिसमें जन्मतिथि 1 जनवरी 1998 है और ये इस बात को बताने के लिए काफी है कि आवेदक किसी नाबालिग लड़की से शारीरिक संबंध बना नहीं रहा था। अभियोजन पक्ष को बड़ी मात्रा में धन के हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया ये हनी ट्रैपिंग का मामला लगता है और अप्रैल 2019 और 2021 में हुई कथित घटनाओं के लिए प्राथमिकी दर्ज करने में अत्यधिक देरी के लिए कोई संतोषजनक कारण नहीं दिया गया था। अदालत को पीड़ित महिला के बयान में कई असंगतियां मिली हैं। अदालत ने पाया कि एक साल में महिला ने आरोपी से अपने खाते में करीब 50 लाख रुपए लिए हैं। पैसे की अंतिम किश्त का भुगतान FIR दर्ज कराने और आरोपी पर पॉक्सो एक्ट की धारा लगाने के एक हफ्ते पहले ही दी गई थी। जज ने एक अदालती आदेश का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं जहां निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा था और उनसे बड़ी मात्रा में पैसा वसूला जा रहा था। जतमीत सिंह ने अपने आदेश में लिखा है, मेरा मानना है कि इस मामले में जो नजर आ रहा है उससे कहीं अधिक है। प्रथम दृष्टया मुझे ये लग रहा है कि ये भी ऐसा ही मामला लगता है। उन्होंने दिल्ली पुलिस के प्रमुख को आदेश दिया है कि वो इस बात की जांच कराएं कि कहीं पीड़ित महिला ने इसी तरह का केस दिल्ली में किसी और के खिलाफ तो दर्ज नहीं कराया है। अदालत ने निर्देश दिया है कि आरोपी को 20,000 के एक स्थानीय मुचलके के साथ रिहा किया जाए। साथ ही उसे निर्देश दिया गया कि वो समय समय पर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करते रहें और जब भी मामले की सुनवाई हो वो अदालत में हाजिर रहें। कोर्ट ने आरोपी को देश नहीं छोड़ने, अपना पासपोर्ट आत्मसमर्पण करने के साथ साथ किसी भी न्यायिक गतिविधि में शामिल नहीं होने या मामले से संबंधित लोगों के साथ संवाद नहीं करने के लिए कहा है। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।